लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा की सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार को बड़ा झटका लगा है। दरअसल तीन निर्दलीय विधायकों ने नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है। इसमें सोमवीर सांगवान, रणधीर गोलन और धर्मपाल गोंदर का नाम शामिल है, जिन्होंने कांग्रेस को अपना समर्थन देने का ऐलान किया है। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। यहाँ तीन निर्दलीय विधायकों ने कांग्रेस को अपना समर्थन दे दिया है। ये सभी विधायक पहले बीजेपी के साथ थे, वहीं आज इन तीनों विधायकों ने बीजेपी की प्रदेश सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है। इसके साथ ही राज्य में बीजेपी की नायब सरकार अल्पमत में आ गई है। भाजपा की सरकार से अपना समर्थन वापस लेने वालों में दादरी से विधायक सोमवीर सांगवान, नीलोखेड़ी से विधायक धर्मपाल गोंदर और पुंडरी से निर्दलीय विधायक रणधीर गोलन का नाम शामिल है। बता दें कि नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने निर्दलीय विधायकों द्वारा कांग्रेस को समर्थन देने पर प्रेस वार्ता की। वहीं बादशाहपुर से विधायक राकेश दौलताबाद भी अपना समर्थन कांग्रेस को दे सकते हैं, हालांकि अभी तक वह प्रेस वार्ता में नहीं पहुंचे हैं। माना जा रहा है कि ये सभी ऐसे विधायक हैं जो मंत्रिमंडल में जगह ना मिलने की वजह से काफी दिनों से भाजपा से नाराज चल रहे थे। कांग्रेस को समर्थन देने वाले निर्दलीय विधायकों का कहना है कि बीजेपी सरकार की नीति जनविरोधी रही है, इसके कारण उन्होंने कांग्रेस को बाहरी समर्थन देने का फैसला किया। कार्यकर्ता के साथ साथ अंधे से कंधा मिला के तन से मन से धन से हम पूरी तरह से पार्टी का सहयोग करेंगे। लोकसभा चुनाव हो या आने वाला विधानसभा चुनाव हो, हम शुद्ध अंतःकरण से पार्टी का पूरा सहयोग करेंगे। हरियाणा में जो भारतीय जनता सरकार की पार्टी की सरकार है उसी आज हम समर्थन वापस लेते हैं और कांग्रेस को बाहर से समर्थन देते हैं। हम अपने तन मन से पूरे प्रयास से पार्टी में समर्थित हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हम काम करेंगे। आज हम तीनों भाई जो भारतीय जनता पार्टी की नायब सैनी की सरकार है उससे अपना समर्थन वापस लेते हैं और कांग्रेस पार्टी को बाहर से हम समर्थन करते हैं। लोकसभा के चुनाव में भी आने वाले विधानसभा के चुनाव में भी, और ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में फिर एक बार उनका काम करवा दें। बता दें कि हरियाणा विधानसभा 90 विधायकों वाली विधानसभा है। फिलहाल विधानसभा में 88 विधायक हैं, इनमें से बीजेपी के 40, कांग्रेस के 30 और जेजेपी के 10 विधायक हैं। इनके अलावा हरियाणा लोकहित पार्टी के 1 और इनेलो के 1 विधायक भी है। वहीं 6 निर्दलीय विधायक भी विधानसभा में है। इस समय बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन टूट चुका है। वहीं निर्दलीय विधायकों के सहारे सरकार चला रही बीजेपी की प्रदेश सरकार की मुश्किलें बढ़ गई है। शामिल ही हुए हैं उन्होंने जो बीजेपी सरकार को समर्थन दे रखा था, इंडिपेंडेंट विधायक हैं, उन्होंने समर्थन अपना वापस लिया है और बाहर से कांग्रेस को समर्थन देने का फैसला किया है। और ये फैसला उन्होंने जन भावनाओं के अनुसार किया है। जन भावना बन चुकी है सरकार के मौजूदा सरकार के खिलाफ है। उन्होंने कहा भी जन भावना बनी हुई स्वास्थ्य कांग्रेस का समर्थन करना चाहते हैं। क्या सरकार को कोई खतरा है सर? देखिए मॉरल राइट खत्म हो गया सरकार का, प्रशासन का, और उन सरकार को तुरंत पद छोड़ देना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए और राष्ट्रपति लागू शासन लागू कर देना चाहिए ताकि निष्पक्ष चुनाव हो जाए। बीजेपी से नाराज चल रहे तीन निर्दलीय विधायकों के कांग्रेस को समर्थन देने से बीजेपी की प्रदेश सरकार अल्पमत में आ गई है। अब बीजेपी के पास 40 अपने विधायक और 3 अन्य विधायकों का साथ है। ब्यूरो रिपोर्ट, A1 हरियाणा। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।